नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए साइंस का आपका मॉडल टेस्ट पेपर, और उम्मीद कर रहा हूँ आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वाला वीडियो पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 2 है इसका, एक मैंने पहले दे दिया है साइंस का, अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो ऊपर वाइड लाइन में लिंक आ रहा होगा और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वो भी जाके जरूर देखना, अच्छे से देखना और समझना वीडियो को, पूरे क्वेश्चंस को समझना, और लास्ट में बताना कि आपके कितने सही होते हैं क्वेश्चंस और कितने गलत होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कि गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट का मात्रक क्या होता है। कोशिश करना कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करो, यानी कि तुक्का ना मारो, जो आपको एकदम 100% श्योर आंसर आता है उसे वो उसी का जवाब देना। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट का जो मात्रक है वो हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके एक दो मात्रक और भी है, वो भी बता देता हूँ। एक होता है कैलोरी, कैलोरी प्रति ग्राम, ये भी इसका मात्रक है, और ऐसा कह सकते हैं किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ये भी इसका मात्रक है। तो इनमें से कोई भी आए एग्जाम में तो आपको गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट का वो मात्रक बता देना है, जूल प्रति किलोग्राम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ये आपके इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको सभी पता होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, एक्यूमुलेटर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा यंत्र है, क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला ये एक यंत्र है, एक्यूमुलेटर। तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। एक्टिनोमीटर की यहाँ पे बात करें, एक्टिनोमीटर क्या काम करता है कि सूर्य की किरणों को या सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है उनका निर्धारण करने वाला ये यंत्र है, एक्टिनोमीटर। एरोमीटर की बात करें तो एरोमीटर वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर की बात करें तो विमानों की जो ऊँचाई है उसे मापने हेतु ये यंत्र यूज लिया जाता है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है। ये आपके यूनिट्स का बेसिकली क्वेश्चन है कि किसको किस में कन्वर्जन करेंगे तो कितना आता है, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो एक फैदम में कितने फीट होते हैं ये आपको बताना है, कितने होते हैं, 6 फीट होते हैं, एक फैदम के अंदर 6 फीट होते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक फैदम में कितने मीटर होते हैं तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो बेसिकली आ जाएगा 1.82888 ऐसा कुछ आता है, तो आप 1.829 ले सकते हैं, 1.829 मीटर। तो 6 फीट बराबर ये हो जाएगा और एक फैदम बराबर 6 फीट या बराबर कह सकते हैं 1.829 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया, आविष्कारक के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स से लिए हैं मैंने, और ज़्यादातर टॉपिक्स एग्जाम में रिपीट होते हैं। आविष्कार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पॉलसन, इन्होंने किया था इसका आविष्कार, टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था पॉलसन ने, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायोड वाल्व के आविष्कारक कौन है, डायोड वाल्व के आविष्कारक कौन है दोस्तों। सर जे एस फ्लेमिंग, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आविष्कारक के मैंने दो क्वेश्चन ले लिए हैं तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, सर जे ए फ्लेमिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि माइकल फेराडे किस देश के रहने वाले थे। अब जो भी साइंटिस्ट होता है उनके संबंधित आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से देश से बिलोंग करते थे, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डीप करना हुआ, हार्ड करना हुआ, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, माइकल फेराडे किस देश के रहने वाले थे। तो दोस्तों, ये रहने वाले थे इंग्लैंड के, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बेसिकली कौन कौन सी खोज की है वो भी बता देता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इन्होंने बताया है, विद्युत अपघटन के नियम इन्होंने बताया है, डायनेमो का आविष्कारक, तो ये सभी इन्होंने चीज़ें की है। सातवां क्वेश्चन के ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों, उदरपातन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसे? सब्लिमेशन यानी कि उदरपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन के साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम है यह आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन बेसिकली क्या कहते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और व्यतिकरण यानी कि डेविएशन। ठीक है, ये तो हो गया डेविएशन जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं उनके लिए लिख रहा हूँ, और बहुलित परावर्तन क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक है? निम्न में से कौन है बताइए, लोहा, बिस्मत, निकेल या फिर कोबाल्ट? तो वो है दोस्तों बिस्मत, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, एक प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन कि लेंस का जो नियम है निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंस का नियम पढ़ा होगा आप सभी ने, किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा के संरक्षण के लिए, इस पर डिपेंड करता है इसके लिए आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण। अगला क्वेश्चन परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नहीं फिजन, ठीक है ध्यान रखना, यह है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है, वो चीज़ अलग है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रचालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको आंसर पता है ऐसी चीज़ों के तो आप जवाब दे पाओगे, क्योंकि एग्जाम में एकदम पास पास के ऑप्शन नहीं आते हैं। तो देखिए 5800 डिग्री सेल्सियस ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो लगभग इतना होता है, इसके आसपास अगर कोई भी ऑप्शन आपको मिले एग्जाम में तो आप टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन एक खगोलीय इकाई निम्न में से या निम्न के बीच की औसत दूरी है, किन किन के बीच की औसत दूरी होती है एक खगोलीय इकाई? किन के बीच की होती है दोस्तों? पृथ्वी और सूर्य के बीच की, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, यानी कि कौन सी किरणें प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, इन चार ऑप्शन में देख के आपको बतानी है कौन सी किरण युग्म है वो। तो वो है दोस्तों एक्स किरणें एवं गामा किरणें, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो किरणें हैं वो प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, एक्स किरणें और गामा किरणें। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए हर एक तत्व की, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इन सभी की, पहले आप इसका जवाब दीजिए आपको बता दो। इनमें से आपको बताना है कि किसकी जो परमाणु संख्या है वो नियॉन की तुलना से अधिक है, नियॉन की तुलना में अधिक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ थोड़ा सा बता देता हूँ, जो मैग्नीशियम की आपकी परमाणु संख्या है वो कितनी है, 12 है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए परमाणु संख्या याद कर लो, ठीक है, पूरी पीरियडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की कितनी है, अगर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करें तो 8 है, और नाइट्रोजन की बात करें तो वो है 7, बोरोन की है 5, ठीक है। और बात करें अगर नियॉन की, जिसके कंपैरिजन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नियॉन की परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। तो देखिए 10 से ज़्यादा अब किसकी है, सिर्फ मैग्नीशियम की है, बाकी ऑक्सीजन 8 है, नाइट्रोजन 7 है, बोरोन 5 है, तीनों कम है। तो आपको अगर ये चीज़ें पता है, परमाणु संख्या सभी की पता है, तो ही आप इन क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, ठीक है, आपको सभी की पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं?
क्वांटम संख्याएं जो है वो कितने प्रकार की होती है, उनके नाम भी आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो देखिए चार प्रकार की होती है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मेन कह सकते हैं या फर्स्ट कह सकते हैं, पहली क्वांटम संख्या कह सकते हैं। एक होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन इंग्लिश में कहें तो स्पिन क्वांटम संख्या। तो ये सभी हो गई, टोटल चार होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? वो करते हैं दोस्तों अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण, इनका उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रक्त कैंसर जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि इसके उपचार में कह सकते हैं? तो है दोस्तों कोबाल्ट 60, याद रखना आपको ये चीज़, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि स्मोग किसका संयोजन है? और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी जो है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 19वें क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, स्मोक किसका संयोजन है? ये दोस्तों धुएँ का और कोहरे का, धुआँ और कोहरा इसका संयोजन है स्मोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला जो वायु थैला है जिसे हम एयरबैग कहते हैं उसके अंदर क्या होता है निम्न में से? क्या उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या सोडियम एंजाइट होता है, क्या सोडियम नाइट्राइट होता है, या फिर सोडियम पेरोक्साइड होता है? एयरबैग के अंदर इन चारों में से क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों सोडियम एंजाइट, ये होता है उसके अंदर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज 20 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करवा दिए। देखिए आपको जो भी चीज़ की नीड है, जिस भी वीडियो की नीड है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपके डिमांड के हिसाब से आपके वीडियोस बनाए जाएंगे, और डेली शाम को इवनिंग के अंदर आपके पटवारी का जो भी मॉडल टेस्ट पेपर है वो डेली आएंगे। और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ हर एक वीडियो की, देखिए सुबह 5 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, फिर सुबह 10 बजे राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए क्लास आती है, और रात को 8 बजे ये आपके पटवारी की क्लास डेली आएगी। तो 3 टाइम आप नोट कर लेना, तीनों टाइम आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।